वक्र तुन महाकाय सूर्य कोटि समा प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तो इस तरह से अपने हर वीडियोस में मैं पहले गणेश जी को प्रे करता हूँ, सो दैट सब ऑब्स्टेकल्स, जो भी अनवांटेड डिलेज हैं किसी भी काम में, वो टल जाएं। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आर्ट वर्क्स हैं, जो भी स्केचेस हैं, वो अच्छे से डिवाइन गाइडेंस के अंडर जो है अच्छे से पूरे हो जाए। तो आज का ये वीडियो है मेरे यूट्यूब पे फर्स्ट 10 वीडियोस कंप्लीट होने पे। तो उसके लिए मैंने अपने आप को ये दो चीज़ें, एक ये गोरिल्ला ट्राइपॉड और ये जो है माइक है JBL का, ये दो चीज़ें जो है गिफ्ट की हैं अपने आप को। तो आगे का पोर्शन इसको सेटअप करके शूट करते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो ऐसे जो है मैंने जो ट्राईपॉड है वो सेट कर दिया, और माइक मैं अपने कॉलर पे, तो टी शर्ट की नेक पे लगा लेता हूँ। तो वायर काफ़ी लंबी है इसकी, तो होपफुली आपको आवाज़ जो है वो आ रही होगी। सो माई नेम इज़ कनक गुप्ता एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल विद नेम कनक आर्ट सेंटर। तो बनाया तो ये काफ़ी देर से है, मैं अपनी जो कुछ वीडियोज़ हैं, क्रिएटिव वीडियोज़, नेली पेंटिंग वीडियोज़, कुछ मैंने एग्जीबिशंस की थी ऑनलाइन, तो आई बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू डू एन ऑनलाइन लाइव पेंटिंग एग्जीबिशन इन ईयर 2018। तो इस तरह से मैं काम डालता रहा था, बट डेडिकेटेडली जो यूट्यूब के लिए वीडियोस मैंने बनाना शुरू की वो कुछ ही दिन पहले मैंने बनाना शुरू की। और मुझे एक, आई डू मेडिटेशन एंड आई एम क्वाइट स्पिरिचुअल इन नेचर, तो मुझे एक गाइडेंस है कि आप यूट्यूब पे जो है कुछ कीजिए, कुछ अपने आर्ट को लेके, कुछ अपनी क्रिएटिविटी को लेके कुछ कीजिए। तो पहले मैंने सोचा कि जिस तरह से स्कूल में टास्क दिया जाता है समर वेकेशंस में कि आपको इतनी स्क्रैप बुक भरनी है या इतने एसेज लिख के आने हैं, तो एज ए टास्क मुझे अपने आप को भी कुछ चैलेंज देना चाहिए। तो मैंने अपने आप को जो चैलेंज दिया वो था फर्स्ट 10 वीडियोज़ का, कि अगर मैंने पहली 10 वीडियोज़ बना ली, एक दो तो मैं डालते रहता था, अगर 10 वीडियोज़ मैंने लगातार बना ली तो तब मैं अपने आप से कुछ बात करूँगा और इसको सीरियसली लूँगा, रिस्पॉन्स देखूँगा कि मैं क्या सीखता हूँ इन 10 वीडियोज़ को बनाने में। तो बेसिकली ये एक गेस्ट रूम है जहाँ पर मैंने अपना छोटा सा सेटअप किया हुआ है, टेबल और चेयर मेरे पास पहले से था, तो अब ये ट्राईपॉड और माइक अभी अपग्रेड हुआ है। तो देखते हैं विद टाइम जैसा रिस्पॉन्स मिलता है या जो भी आपका प्यार मिलता है उससे क्या क्या चीज़ें और ऐड होती हैं, और कैसे हम अपना प्रोडक्शन लेवल जो बढ़ाते हैं, और जो भी अच्छा अच्छा कंटेंट जो इसमें लाता है। मैं हम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को अकेला नहीं समझता, जो भी मैं आजकल कर रहा हूँ इट्स ड्यू टू द गाइडेंस ऑफ द गॉड, और जो भी मुझे मेडिटेशन में या डे टू डे लाइफ में इंट्यूशन आती है या जो भी गाइडेंस मिलती है फ्रॉम अबव, तो मैं उसी को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। स्केचेस बनाते टाइम भी मैं लॉर्ड गणेश को प्रे करता हूँ कि आप जो भी है हैसल्स को टाल दीजिए, और डिवाइन जो गाइडेंस है उसके थ्रू लेट मी बी योर मीडियम सो दैट आई कैन बी द मीडियम ऑफ योर क्रिएशंस। तो मैं ये नहीं समझता कि मैंने स्केच बनाया बहुत बढ़िया बना दिया, तो घमंड नहीं करना है किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये कला आपको ऊपर वाले ने दिया, ये गिफ्ट आपको ऊपर वाले ने दिया है, तो आपको हर एक चीज़ को थैंक करना है, आपको ऊपर वाले को थैंक करना, आपको अपने मटेरियल्स को थैंक करना है, पेंसिल्स होंगी, शार्पनर, इरेजर, ब्रशेस, जो भी है छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपको उनको थैंक करना है एवरी टाइम जब भी आप बनाते हैं, उसको बनाने के लिए बैठते हैं तो बना के उठते हैं, तो आपको थैंक करना है कि आपने हमारी मदद करनी है कुछ भी चीज़ बनाने में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहला वीडियो जो मैंने शूट किया था वो था एक इलेक्ट्रिक शॉर्पनर को लेकर, डर्वेंट का, वो मैंने अमेजोन से मंगाया था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि ये क्यों ना पहली वीडियो हो। तो उसका लिंक में मैं, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, तो
तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने अपनी जो पहली वीडियो है बिल्कुल बेसिक सेटअप के साथ, जो मेरा स्मार्टफोन है एम आई का नोट 5 प्रो, उसी से रैंडमली जो भी है हैंड हेल्ड उसको शूट किया और एक हाथ से मैं उसको चीज़ों को कर रहा था, तो वो मैंने अपलोड किया। फिर उसके बाद जो सेकंड था वो ग्रेफाइट पाउडर और चारकोल पाउडर के यूज़ पे था। क्रेटा कलर का मैंने ग्रेफाइट पाउडर मंगाया हुआ था और ब्रूस्टर का मैंने आर्टिस्ट कंप्रेस्ड चारकोल पाउडर मंगाया था अपने यूज़ के लिए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इसको यूज़ करूँ, देखूँ क्या डिफरेंस आता है इसमें और चारकोल पेंसिल और ग्रेफाइट पेंसिल का। तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप जाके देख सकते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मेरा कैसे है उस पर। तो ज़्यादा जो रिस्पांस आया वो था मेरी थर्ड वीडियो पे, वो मैंने एक स्केच ट्रिब्यूट बनाया था, टाइम लैप्स स्केच वीडियो बनाया था टू गिव ट्रिब्यूट टू लेट सरदूल सिकंदर साहब, अ वेरी लेजेंडरी पंजाबी सिंगर उनके लिए। तो वो उस पर कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, मैं नहीं कहूँगा कुछ थाउजेंड्स में आए हैं, होपफुली आ जाएँ, क्योंकि काफ़ी हार्डवर्क से वो मैंने बनाया था, काफ़ी आर्ट से वो बनाया था, काफ़ी ऑनेस्टी से वो बनाया था, कुछ ऐसे जल्दबाजी में नहीं वो उसको किया। और तो फिर ये बनाते बनाते आइडिया है वाई नॉट डब फ्यू वीडियोज़ इन इंग्लिश, कि मे बी कुछ इंग्लिश लिसनिंग ऑडियंस हो जिनको हिंदी में कंफर्टेबल ना हो, तो मैंने हिंदी की जो वीडियोस थी रिव्यू की और टेस्टिंग की उसको इंग्लिश में डब किया। सोचा था 3-4 वीडियोस बनी हैं उसी को अगर इंग्लिश में डब कर देंगे सभी को तो 4 और बन जाएंगी तो 8-9 वीडियोस होगी। सोचा था बड़ा इजी टास्क है, बट कॉन्ट्रेरी टू डैट काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहा। स्कूल की जो इंग्लिश क्लास होती है वो याद आ गई, जो आपको बोलते हैं ना ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो एक एक वीडियो में जो एक एक सेंटेंस मैंने हिंदी में बोला था उसको फिर इंग्लिश में करना। तो माइक तो तब मैंने लिया नहीं था, तो फ़ोन पे ही डायरेक्ट टाइमिंग देखनी पड़ती थी कब क्वाइट है रूम में, अर्ली मॉर्निंग उठ के 5 बजे उठ के 6 बजे उठ के, तो वो डब करना पड़ता था उसको। और कभी कभी मैं अपनी बिजनेस लोकेशन पर होता था तो वहाँ पर टाइम मिल गया, क्वाइट टाइम मिल गया, तो आधा घंटा वहाँ पर डब कर लिया। तो इस तरह से ऑलमोस्ट टीयर्स आ जाते थे मुझे डब करते करते, क्योंकि एक्चुअल वीडियो जो मैंने बनाई थी उसको एडिट करके भी इतना टाइम नहीं लगा था जितना डबिंग में मुझे टाइम लग गया। मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था सो ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जो मैंने हिंदी को इंग्लिश में डब करने का सोचा, थॉट अच्छी थी और एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, काफ़ी चैलेंजिंग था। तो 4 वीडियोस जो है मैंने उसको इंग्लिश में डब किया था, वो भी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन देखूंगा दे दूंगा, तो अगर आप देखना चाहें तो कोई ऑक्सफोर्ड लेवल की इंग्लिश नहीं है, बेसिक जो हम सब बोलते हैं वो थी, जो उससे मैंने सीखा है कि इंग्लिश डब से बेटर है आप सबटाइटल्स वीडियो को दे दो। तो दैट उसका बेनिफिट ये है कि आप टाइम भी अपना सेव करोगे, एक्स्ट्रा आप वीडियोस डुप्लीकेट वीडियोस नहीं बनाओगे, क्योंकि आपने वो वीडियोस बनाई हुई हैं फिर से अपने चैनल पर वही सेम वीडियोस आप अपलोड करोगे तो ऑडियंस भी बोलेगी कि ये सेम ही वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो बेटर आप सबटाइटल्स पे वर्क कीजिए सो दैट कोई अगर साउंड के बिना भी देख रहा है तो उसको भी समझ आ जाए। तो जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वो सबटाइटल्स ऑन करके देख लें। तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो था इसमें रहा है। सो ये वीडियो बेसिकली मैंने एक लॉग इन की तरह बनाई है कि 10 वीडियोस पे क्या स्टेटस है आगे याद रखने के लिए। तो अभी तो जो हैं 17 सब्सक्राइबर्स हैं चैनल पे, एक सुपर व्लॉगर करके भाई हैं जो कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हैं और सबसे पहले कमेंट करते हैं, फर्स्ट कमेंट लिख के जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ। तो ऐसे आप सबसे जो भी देखते जा रहे हैं उन सबसे सपोर्ट चाहिए सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू जो भी अंदर क्रिएटिविटी है, आइडियाज़ हैं, जो भी ऊपर वाले की गाइडेंस हैं उसको मैं डिवाइनली और क्रिएटिवली और अच्छे से आपके सामने ला सकूं, कुछ नए नए आइडियाज़ भी हैं। तो इस तरह से जो चैनल का नाम भी कुछ और आया था माइंड में, बट इवेंचुअली काफ़ी सोचने के बाद कनव आर्ट सेंटर ही मैंने रहने दिया है, तो फ़िलहाल तो वही रहेगा।
तो शूट शेड्यूल की बात करूं तो मैं जो 9-10 बजे उठने वाला इंसान, जो मेडिटेशन में मुझे कुछ दिन पहले वीडियोस बनाने से पहले गाइडेंस आई थी कि अब आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो मुझे तब क्लियर नहीं था क्यों उठना पड़ेगा। तो जब मैंने उठना शुरू किया तो ऐसा ऐसा मेरा मन किया कि मैं यूट्यूब जो है अपना उस पर वर्क करूँ। तो सुबह मैंने काफ़ी अर्ली उठना शुरू किया और वही टाइम जो है यूटिलाइज़ किया वर्किंग पे, जो वीडियोस पे, और 9 to 8 तो मैं अपने फैमिली बिजनेस पे बिजी होता हूँ। तो उसके बाद का और उसके पहले का जो है मैं टाइम मैनेज करता हूँ फ़िलहाल जो भी है। तो आइडली और बेटर कर सकूँ और एफिशिएंटली वर्क कर सकूँ, सो दैट और अच्छी क्वालिटी के जो कंटेंट है मैं आपके सामने ला सकूं। तो शुरू शुरू में मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली फोकस हो गया था इसी पे, तो वीडियो शूट करके उसको एडिट करना, उसको फिर से देखना और क्रिस्प करना और एडिट करना, लंबी ड्यूरेशन की वीडियोस मैं शूट कर लेता था, उसको 30-30 मिनट की ड्यूरेशन को काट के 18 मिनट 20 मिनट में लाना, तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। और मैंने उसमें भी एक एक्सपेरिमेंट किया, जो 20 मिनट की वीडियो उसको और कट डाउन करके शॉर्टर वर्जन में लाना 10 मिनट में 12 मिनट में। तो ये जो एक्सपीरियंस्ड जो एडिटर्स हैं वो इसको चीज़ को समझ सकते हैं कि ऑलरेडी एक एडिटेड चीज़ को और काटना, जहाँ पे स्कोप ना हो और कुछ काटने का, तो वो कितना चैलेंजिंग हो सकता है। तो इस तरह से रहा, डबिंग काफ़ी चैलेंजिंग रही बट इवेंचुअली हम ग्रो कर लेंगे। देखते हैं इसको सबटाइटल्स वाला ही जो मैंने आइडिया बोला वही रखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो इंग्लिश डब रखेंगे, देखते हैं टाइम के साथ। तो जैसे एक्सटेंसिव भी वर्क कर रहा था सुबह रात को, तो एक टाइम पे मैंने 2-2, 3-3 वीडियोज़ एक साथ शूट कर ली थी, तो उसको देखने में एडिट करने में लगा रहता था, तो डार्क सर्कल्स अभी भी शायद दिख रहे होंगे। तो इस तरह से हाल हो गया था, रात को काम करते करते ही टेबल पर नींद आने लग जाती थी। तो आई रिलैक्स माई सेल्फ, मेडिटेटेड लिटिल बिट और रियलाइज्ड कि थोड़ा स्लो एंड स्टडी पेस किया जाना चाहिए, एन्जॉय करते करते जाना चाहिए इस प्रोसेस को, तभी आप इसमें इन्जॉय करते करते पेशेंस के साथ चलेंगे तो लंबी रेस, स्लो एंड स्टडी बेसिकली विंस द रेस। तो जैसा आपने टाइटल में देखा, 10 वीडियोस में 10 लाख, तो 10 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको 10 वीडियोस में 10,000 रुपए भी मिल जाएँ तो आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये एक लंबी रेस है, आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा या जो भी आपको अच्छा लगे अपने आपको बुलाने में, तो आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। तो 10 लाख की जो मैं बात करता हूँ वो 10 लाख के एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे तो स्टार्टिंग में ये भी नहीं पता था कि थंबनेल्स कैसे लगाते हैं, तो ये सब एक्सपीरियंसेस मैंने अपने वीडियो से लिए कि थंबनेल्स भी लगाने पड़ते हैं और एंड कार्ड में जो लिंक होता है, वीडियोज़ का लिंक होता है, वो भी देना पड़ता है प्रोफेशनल उसको वीडियो को बनाने के लिए और रीच बढ़ाने के लिए। तो ये सब जो मैं 10 लाख की बात करता हूँ, 10 लाख एक्सपीरियंसेस हैं कि कैसे चीज़ें करनी है, कब चीज़ें करनी है, कितनी पेस पे आपको करनी है और किस क्वालिटी पे एडिट कैसे करना है, कितना उसको लॉन्ग रखना है, शॉर्ट रखना है, हिंदी को इंग्लिश में डब करना है या सबटाइटल्स देना बेटर है। तो ये एक्सपीरियंसेस जो हैं उसको आप एंजॉय कीजिए और वीडियोस बनाते रहिए, यूट्यूब को एंजॉय कीजिए। होपफुली एक दिन ये 17 लाख कब हो जाएंगे ये तो ऊपर वाले को पता है, वो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी है आपके सामने आने के लिए। तो होपफुली विल एंजॉय द प्रोसेस एंड रिसीव व्हाट ही हैज़ टू गिव टू यू थ्रू मी। सो कुछ अगर बोलना रह गया हो या कुछ आपके मन में क्वेरी है तो आप कमेंट्स में नीचे टाइप करके पूछ सकते हैं, और जो भी आपके मन में अगर कुछ आइडियाज़ हैं कुछ नई वीडियोस को लेके या कुछ भी आपके मन में सवाल हैं तो डू शेयर इट विद मी। एंड माई चैनल इज़ न्यू एज यू नो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड
कमेंट ऑन द वीडियो. सो दिस इज कनव गुप्ता. I now take your permission to sign off. It was really a nice and fruitful experience to create the first 10 videos. My first challenge is completed by God's grace. So this is Kanav Gupta taking your permission to sign off. Jaldi jaldi subscribe kijiye channel ko taki aur videos ke liye motivation milti rahe, aur videos aati rahe jaldi jaldi. So keep rocking. Keep loving, keep creating and keep experimenting, most important. And Jai Mata Di, thank you, love you.